The power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई हार पर चर्चा कर ही रही थी कि उसके दक्षिण के एक अहम सहयोगी ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी। इंडिया गठबंधन के अहम साझेदार डीएमके के सांसद के बयान ने पूरे इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी। डेंगू मलेरिया से सनातन की तुलना करने वाले उधिनीति की पार्टी यानी डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार ने मंगलवार को संसद में बीजेपी को गौमूत्र स्टेट वाली पार्टी बताकर सियासी बखेड़े को जन्म दे दिया है। दरअसल मंगलवार को संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, इसी दौरान डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार ने लोकसभा में कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदी हॉटलैंड में ही जीत सकती है, जिसे हम आमतौर पर गौमूत्र स्टेट कहते हैं। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। पीपल ऑफ दिस कंट्री शुड थिंक दैट द पावर ऑफ दिस बीजेपी इज ओनली विनिंग इलेक्शंस एंड मेनली इन द हार्टलैंड स्टेट्स ऑफ हिंदी एंड व्हाट वी जनरली कॉल एज द गोमूत्र स्टेट्स। यू कैन नॉट कम टू साउथ इंडिया, यू सी ऑल द रिजल्ट्स ऑफ व्हाट हैपेंस इन तमिलनाडु, केरला, आंध्र, तेलंगाना। डीएमके के सांसद के इस बयान के बाद बीजेपी डीएमके के सारे कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत की सनातन पहचान गंगा गौ माता है, सनातन को खत्म करना बंद करो, नहीं तो खुद खत्म हो जाओगी। आज मैंने एक ट्वीट किया है, ऑस्कर फर्नांडिस राज्यसभा में जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उनका बयान है कि मुझे कैंसर था और मैंने गौमूत्र से आश्रम में जाके क्योर हुआ। मैं राहुल गांधी और स्टालिन पिता पुत्र को दोनों को कहना चाहता हूं कि भारत के सनातन की पहचान गंगा गौ हैं, गौ माता भारत सनातन की पहचान है। मजाक करना बंद करो, सनातन को खत्म करना बंद करो। राहुल गांधी, स्टालिन टुकड़े टुकड़े गैंग, नहीं तो खुद समाप्त हो जाओगे। डीएम के सांसद के बयान पर साधु समाज में खासी नाराजगी है। हरिद्वार के महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने डीएम के सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार के बयान पर कार्रवाई की मांग कर दी। डीएम के सेंथिल कुमार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं और जिस प्रकार से टीका टिप्पणी कर रहे हैं उनके खिलाफ संसदीय अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का इन्हें निलंबित करना चाहिए और तीन राज्यों में जिस प्रकार से जनता ने भाजपा को समर्थन दिया है ये ऐसी पार्टी और ऐसे नेताओं के मुंह पर तमाचा है और 24 में नरेंद्र मोदी की जो आंधी है वो रुकने वाली नहीं है। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार की गौमूत्र राज वाली टिप्पणी से कांग्रेस ने किनारा कर लिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि डीएमके सांसद की इस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो उनकी बात है। गौ माता को हम सब श्रद्धा करते हैं, इस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं है। गौ माता को हम सब अपने श्रद्धा करते हैं, इस बात से हमारे कोई लेना देना नहीं है। कोई इंडिविजुअल कोई सदन के अंदर कोई बात कहते हैं इसमें हमें क्या लेना देना, हम गौ माता बोलते तो है। उन्होंने हिंदी भाषी जो राज्य है उसको गौमूत्र राज्य कहा है, पता नहीं, ये जो कहते हैं उनको पूछिए, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जैसे ही डीएमके सांसद के बयान पर सियासी बवाल शुरू हुआ, ठीक वैसे ही सेंथिल कुमार ने शाम आते आते अपने बयान पर माफी मांग ली और कहा कि हाल ही में हुए 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के नतीजों पर टिप्पणी करते हुए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल अनुचित तरीके से किया है, इसके उपयोग के पीछे मेरी कोई भी गलत भावना नहीं थी, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। बता दें कि 4 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद सोशल मीडिया समेत मिनिस्ट्री मीडिया में नॉर्थ साउथ डिवाइड की चर्चा हो रही है। इसका तर्क यह है कि बीजेपी हिंदी भाषी एमपी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो चुनाव जीत गई, लेकिन तेलंगाना में कुछ खास नहीं कर पाई, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।